हाय फ्रेंड्स, मैं सुमिता दास आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक नया सब्जी लेकर आप सबके सामने आई हूँ। आज मैं कुमड़ा का झोल बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कुमड़ा लिया है, कुमड़ा को इस तरह बड़ा बड़ा करके काट लिया है, आलू लिया है, हरे मिर्च लिया है और लिया है मटर, प्याज और क्या क्या मैं दूंगी कुमड़ा की सब्जी बनाने के टाइम। तो देख भाई, मैं सरसों तेल और तेज पत्ता दे दिया है, हरी मिर्च दे दिया है, इसमें हरी मिर्च इसमें दे दिया है। अभी आलू दे देंगे प्याज के साथ, आलू देके इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, बाद में इसमें कुमड़ा देंगे। मेरे चैनल पर डेली बनने वाली रेसिपी मिलेगा आपको, हर तरह के भी कद्दू उसमें दे देंगे। हर किसी के घर में तरह तरह के पकवान बनता है, तो हर कोई तो डेली होटल वाला पकवान तो बनाकर नहीं खाएगा, तो इसीलिए डेली पका हुआ खाना ही मैं आप सबको दिखा रही हूँ, तरह तरह के नया नया रेसिपी बनाकर। तो देखते रहिए और लाइक। इसमें मैंने मसाला पेस्ट किया है कद्दू में देने के लिए, इसमें है धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर दिया है इसमें। अब वही वाला मसाला इसमें दे देंगे। मटर एकदम बाद में देंगे जब फ्राई हो जाएगा मसाला, तब अच्छी तरह से मसाला को मिक्स कर लेंगे। मटर दे देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी दे दिया है, कद्दू मटर कड़ी हो गया है, अभी मैं इसको उतार लूंगी। मेरा ये रेसिपी अगर आप सबको पसंद आए तो एक लाइक से और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएंगे। इसी तरह नया नया वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली खाने के लिए मैं हर तरह का रेसिपी लेके आप सबके सामने आऊंगी। ये सारा का सारा रेसिपी डेली खाने के लिए है, डिनर हो या लंच हो आप हर टाइम खा सकते हैं। तब इसके ऊपर धनिया पत्ता दे दूंगी। कद्दू मटर आलू का रेसिपी हो गया है, मैंने इसको सर्व कर दिया है। आज के लिए वीडियो मैं यही खत्म कर रही हूँ, कल एक नया वीडियो के साथ आप सबके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय।